और सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लगता है कि कानून का इकबाल खत्म हो गया है। यहां आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 24 घंटे के अंदर ही 2 कत्ल हो चुके हैं। ताजा मामला है हथीगवा के सरैया प्रवेशपुर गांव का, जहां प्रधान पुत्र को घर बुलाकर बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है। वहीं शनिवार देर शाम कुंडा इलाके में एसपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि अभी दिसंबर महीने के 12 दिन गुजरे हैं और इन दिनों में ही आधा दर्जन से ज्यादा वारदात प्रतापगढ़ में हो चुकी है। तो घटनाएं सवाल उठा रही है कि आखिर कानून व्यवस्था यहाँ है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से 12 दिन के अंदर 2 कत्ल हो गए, उससे सवाल और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो 11 दिसंबर को एक कत्ल हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक नेता की हत्या कर दी गई है, उसके बारे में बहुत ज्यादा। शिव मोहन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, क्या हाल है यहाँ कानून व्यवस्था का? देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ अपराधगढ़ कहा जाए तो बुरा नहीं लगता, इसलिए कि कोई सुरक्षित नहीं है। पुलिस और कानून का कोई राज नहीं रहा है, बदमाश बेकौफ है। अभी शुक्रवार को डिप्टी सीएमओ की हत्या की गई थी गोलीबार को, वो भी तिलबिला रेलवे क्रॉसिंग के पास। उसके बाद कल देर शाम हाई प्रोफाइल नेता कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके राजा भैया के खिलाफ, और सपा उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी भी हत्या की गई गोली मार करके। इसके बाद आज भी सुबह बसपा नेता की हत्या की गई कुंडा इलाके में। इस तरह से अभी तुरंत की घटना है, अभी एक घंटे पहले नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी है कनई थाना इलाके में। इस तरह से हत्याओं का सिलसिला और वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा, और बिल्कुल कानून का कोई राज नहीं रहा है प्रतापगढ़ में। नए पुलिस कप्तान और नए डीएम आए, उसके बावजूद उनको सलामी दे रहे हैं जैसे लगता है अपराधी यहाँ के। शिव, बिल्कुल ये बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं हैं। तो अगर हम पिछले जो भी यहाँ पर अपराध हो चुके हैं उनकी बात करें, क्या किसी का खुलासा अब तक हुआ है या फिर यूं ही रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज होते जा रहे हैं अपराधों के? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, अभी तक पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस बिल्कुल फेल नजर आती है, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। कोई भी अधिकारी आता है प्रतापगढ़ में, राजनीतिक प्रेशर में काम करता है और राजनीतिक प्रेशर में काम करने की बातें करता है और खुद दुहाई देता है कि राजनीतिक प्रेशर में हम काम नहीं कर पाते, लेकिन वास्तविक बात यह है कि कोई भी अधिकारी अपराधियों के सामने अपराधियों के प्रति लगाम नहीं कसना चाहता और अपराध पर अंकुश नहीं लगाना चाहता और किसी भी मामले की ताह में नहीं जाना चाहता। अनिल कुमार इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी होटल में, वो मामला राज बना हुआ है और अभी सीबीआई जांच की भी बातें सामने आई है। अखिलेश यादव ने भी आश्वासन दिया, लेकिन सिर्फ आश्वासन की बातें रही हैं। राज क्या है, मौत के राज क्या है, सब दफन कर दिए जाते हैं। जी। और शिव, यहाँ पर लोगों की बात करें, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही, जाहिर सी बात है उसके बाद जो माहौल है वो काफी यहाँ लोगों में खौफ का हो जाता है और अपराधी इसके बाद घटनाओं का अंजाम देते चले जाते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं जब हत्या जैसी बड़ी वारदात करना आसान है तो छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं तो कर सकते हैं। देखिए, प्रतापगढ़ में कुछ सुधार आया था, अखिलेश चौरसिया जब कप्तान हुए थे उसके पहले अनंतदेव कप्तान हुए थे, काफी हद तक लगाम लगी थी और प्रतापगढ़ में शांति दिख रही थी, हत्याएं कम हो रही थी, लेकिन उसके बाद जितने भी एसपी आते गए लगातार सिर्फ राजनीतिकों के चापलूसी में लगे रहे और राजनीतिकों की चाटकारिता में लगे रहे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे, उसके बाद बिल्कुल लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते। अपराधी पकड़े जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं और गलत ढंग से मामले को ट्रेस किया जाता है, उसके बाद में किरकिरी होती है तो फिर से बताया जाता है मामले को सही ट्रेस किया जाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो शिवा, आप बता रहे हैं दरअसल कहीं भी हैं अपराधी हर जगह होते हैं, लेकिन बात यह होती है कि अगर जो वहां पर अधिकारी बैठा है वो अपराधियों पर क्या अपना खौफ या कानून का खौफ उन्हें दिखा पाता है या नहीं। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनके लिए जो माहौल है वो माकूल बनता जा रहा है। शिव, बिल्कुल, जिस तरह से हाई प्रोफाइल अपराध हो रहे हैं, अभी कल शाम की घटना जिस तरह से की गई, घर में बैठे थे सपा के नेता, उनकी हत्या की गई, घर में घुस करके हत्या की गई, गोली मारी गई, जिस तरह से इस तरह से हत्याएं की जा रही कुंडा में, जिस तरह से लगातार कुंडा में, खास करके कुंडा के एरिया में जिस तरह से बवाल होते जा रहे हैं और कुंडा में हत्याओं का सिलसिला जिस तरह से जारी है, कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं, महफूज नहीं। देर शाम को मार्केट बंद हो जाती जो बिल्कुल। यहाँ भी प्रतापगढ़ की कानून व्यवस्था के बारे बात करें, इस वक्त एक और खबर आ गई है, 24 घंटे के अंदर प्रतापगढ़ में हुई है तीसरी वारदात, घर के सामने एक युवक को गोली मारी गई है। नकाबपोश बदमाश बाइक में सवार होकर आए थे और युवक जो अपने घर के सामने खड़ा था उसे गोली मार दी। कंधई थाना क्षेत्र की वारदात है। तो यहाँ पर 24 घंटे बीते नहीं है कि 3 घटनाएं सामने आ गई है, 2 कत्ल हुआ है और यहाँ पर भी एक युवक को उसके घर के सामने गोली मारी गई है। तो शिव, यहाँ पर
जो हम कहें कि घटनाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटे में आंकड़े 3 तक पहुंच गए। देखिए, एक तारीख से अगर बात करें, दिसंबर से बात करें, तो हत्याएं जो भी हुई हैं वो भी बड़ी हत्याएं हुई हैं। इसमें महिला की भी लाश फेंकी गई थी कुएं में गैंगरेप के बाद कन्हई थाना इलाके में। इस तरह से अब तक कुल आंकड़े देखे जाए, दिसंबर के ही एक तारीख से आंकड़े देखा जाए तो आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। रेप के तो मामले ही छोड़िए, रेप भी कई तरह के मामले जो दर्ज भी नहीं होते पुलिस थाने में, ऐसे भी मामले सामने आते रहे जहाँ गैंगरेप के मामले सामने आते हैं, लोग भटकते रहते हैं लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते। ऐसे बहुत से दर्जन भर से ऐसे मामले बलात्कार के, गैंगरेप के जो फरियादी घूमते रहते हैं, उनके मुकदमे भी दर्ज हुए, ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं। उन सब की आंकड़ों पर अलग छोड़ा जाए तो हत्याओं आधा दर्जन से अधिक हत्याएं अब तक हो चुकी है तारीख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका। तो यहाँ पर जो नए आपने बताया कि जिलाधिकारी आए हैं, पुलिस के कप्तान आए हैं, तो उनको जागने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि अपराधी उन्हें क्यों चुनौती दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं अपराधियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव, जानकारी के लिए। और इलाहाबाद से खबर है जहां गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। सड़क हादसे में यहां 2 युवकों की मौत हुई थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने खूब हंगामा किया, ट्रक को आग के हवाले कर दिया। काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। इलाहाबाद के नैनी औद्योगिक थाना इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और जमकर पथराव किया। घटना डेरी चौराहे की है। इलाहाबाद मिर्जापुर रोड पर उल्टी तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, इसमें दोनों की मौत हो गई। तो नाराज लोगों ने यहां खड़े ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। माहौल यहां का काफी तनावपूर्ण बना हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस बल मौके पर तैनात है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लोगों के गुस्से का नतीजा है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रविंद्र, किस तरह का माहौल है यहाँ पर अभी? देखिए, अभी माहौल जो है तनावपूर्ण है। हालांकि गांव में जो लोग हैं जो नाराज हैं, वो उनका कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और किसी ना किसी की जान जाती रहती है। और ये दरअसल जो है पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि वो पैसा लेकर ट्रकों को छोड़ देते हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि अभी माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से गांव वाले नाराज हैं वो कहीं ना कहीं पथराव कर रहे हैं और पुलिस वालों को ऊपर कर रहे हैं पथराव, उसको लेकर पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं। रविंद्र, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, आप थोड़ा समझाएं कि यहाँ पर उल्टी दिशा से कौन आ रहा था, क्या बाइक आ रही थी या फिर ट्रक आ रहा था? और बड़ा सवाल ये कि जो ये रास्ता है, क्या यहाँ पर ट्रकों का आना अलाउ है? बिल्कुल किसी ट्रकों का आना अलाउ है, लेकिन जो नो एंट्री जब छूटती है उसके बाद ही ट्रकों का आना अलाउ है। अगर आज काउंटिंग की बात की जाए, काउंटिंग को देखते हुए जो है नो एंट्री लगाई गई थी और जिसको लेकर ट्रकों का आना एकदम बंद था, लेकिन ये ट्रक कैसे अंदर आ गया ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर अधिकारी भी जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा था की नो एंट्री लगाई गई थी, उसके बाद ये ट्रक आ गया। हालांकि ट्रक जो है उल्टी दिशा में जा रहा था, दूसरे की दिशा में जा रहा था, और जो बाइक वाला है वो अपने सीधी दिशा में जा रहा था और अचानक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर उसके ऊपर चढ़ा दिया, रौंद दिया दो बाइकों को, जिसपे दोनों की मौत हो गई। इसीलिए नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी और हालांकि ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस जो है अब ट्रक ड्राइवर का पता लगा रही है। बिल्कुल रविंद्र, कई बार ऐसा होता है, या तो पुलिस वालों की वसूली से बचने के लिए ट्रक बेतरतीब भागते हैं, या फिर पुलिस वालों की वसूली उनको, यानी कि उनको पैसा देकर कानून को तोड़कर यहां सड़क में आते हैं और नतीजा यही होता है हादसा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका जानकारी के लिए। वहीं पे क्या मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक कानून का कोई नाह अपनाम नहीं है? क्या कानून के नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद से मेरठ तक सड़कों पर हैवानियत दौड़ रही है। दरिंदे चलती कार में गैंगरेप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर रोजाना नए नए बयान आते हैं। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके की एक महिला 3 युवकों पर आरोप लगाई है गैंगरेप करने का। गाड़ी रोक रखी थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, मैं चिल्लाती भी कहां से, कोई दिखाई नहीं दे रहा था ना आसपास में, ना गाड़ी चल रही थी वहां पे, ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करी थी। आप फेंककर चले गए या छोड़कर गए? अब क्या हुआ, मतलब यहाँ कैसे पहुंची आप? यहाँ ऐसे पहुंची हूँ, सुबह 5 बजे होटल ले लिया था नकुन ने, और वहाँ पे होटल लेने के बाद मेरे को वहाँ से लेके जा रहा था देहरादून। एक बार ही हम कोर्ट मैरिज कर ले तो पुलिस हमारा पीछा नहीं करेगी, यहाँ से चलते हैं हम देहरादून। शादी का झांसा देके लाया है? हाँ, मेरे को बोल दिया था कि तू जो भी करना है मेरे कहने से कर ले, तू आ जा, मैं तेरे को धोखा नहीं दूंगी। खबर जैसे ही फैली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में पुलिस पीड़ित महिला के पास पहुंची और शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में लगी हुई है। देखा इनसे जानकारी की गई तो इन्होंने बताया कि हमको कल शाम को 6:30 बजे नकुल नाम का व्यक्ति लेके आया था और उसने प्यार के झांसे में इनको यहाँ लाया गया और रास्ते में दिल्ली से लेके गाजियाबाद के बीच में इसके साथ बलात्कार किया गाड़ी में ही और आज इसे देहरादून के नाम से ले जा रहा था यहाँ से। यहाँ की जब तबीयत सी खराब हुई एडमिट करा के यहाँ से भाग गया। महिला किसी नकुल नाम के शख्स के बारे में बता रही है जिससे वो 6 महीने पहले संपर्क में आई। फोन पर बात होने लगी। आरोप बड़ा गंभीर है कि शादी का झांसा देकर गैंगरेप किया गया। साथ ही महिला घर से शादी करने निकली थी जेवर और पैसे साथ लेकर, लेकिन नियत को नहीं भाप पाना महिला को भारी पड़ गया। आरोप यह है गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक सड़कों पर कार को घुमाते घुमाते चलती कार में पूरी रात गैंगरेप किया गया। महिला की स्थिति जब ज्यादा बिगड़ गई तो निजी अस्पताल में भर्ती कराकर सारे आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच के नाम पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि बीच सड़क पर महिला के साथ बलात्कार होता रहा और किसी को कोई खबर तक नहीं लगी। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। शाहजहांपुर से खबर है जहां एक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे बैंड बाजे के साथ जा रहे बारातियों को रौंद दिया। इस हादसे में 5 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 8 बाराती जख्मी हुए हैं। घायलों को पोआया और शाहजहांपुर के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये भीषण सड़क हादसा थाना पोआया के खुटार रोड पर हुआ। मरने वालों में दूल्हे के पिता और बहनोई भी हैं जबकि लखीमपुर के कांग्रेसी नेता अरुण वाजपेयी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर यात्रियों से भरी बस मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। एक बस सरकारी रोडवेज की आई और उसी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें जो अभी तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और बाकी 4 लोग घायल हैं जिनकी दवाई इलाज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं बचाने का और यहाँ डॉक्टरों की टीम सदर अस्पताल में लगी हुई है, वहाँ पे भी सिमोसा पहुँच गया है। फरुखाबाद के खन्नी नगला में प्रेमिका के घर सोए ट्रक ड्राइवर की गोली लगने से मौत हो गई। इस मौत पर महिला खुदकुशी बता रही है तो मृतक के परिजन कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। शहर कोतवाली के बालाजीपुरम निवासी ट्रक चालक कमलेश तिवारी की विधवा शशि के साथ संबंध थे। कमलेश तिवारी रात में शशि के घर ही रुका था। शशि के मुताबिक जब वो चाय बना रही थी तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। उसने आकर देखा तो कमलेश की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अब किया जा रहा है। दो साल से इस महिला के साथ रह रहा था। इस महिला का पति ख़त्म हो गया था तो ये इसके साथ रह रहा था। ये मैरिड अब इसी के साथ रह रहा था। कल 8:30 बजे जब ट्रक चलाने के बाद आया तो इसकी पत्नी, इसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ चारा खाने वाने के लिए कहा। उसके बाद फिर खाना बनाने लगी। उसकी लड़की जो है बाथरूम के लिए गई और तभी बता रही है, उसकी पत्नी ने बताया कि वो जो है अंदर गोली मार लिया, तमंचा उसके बगल में वहीं मिला था। बदायूं में विवाहिता का फंदे से झूलता हुआ शव मिला है। घटना कोतवाली उजानी क्षेत्र के गांव चंदनपुर की है। पूजा का शव घर में पड़े टीन शेड के फंदे से लटकता मिला। मृतका के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके पति ने उसकी हत्या की और फिर उसको खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को लटका दिया। परिजनों का कहना है कि उसकी बेटी को शादी के 6 महीने पहले हुई थी और तब से ससुराल वाले 6 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूजा की हत्या कर दी है। पुलिस अब आगे छानबीन में जुट गई है। गाँव वालों से पूछा कि वो करते नहीं साहब, ये इनका कोई विवाद हुआ पति पत्नी में, उसके बाद ये थोड़ी बीमार या बेहोश जैसी होगी तो पति से हॉस्पिटल भी ले गया था। उसके बाद हॉस्पिटल से लाया तो वहाँ मृत घोषित कर दिया और इसको घर पे छोड़ के पूरा परिवार वहाँ से भाग गया था। अब चूंकि अब इसका पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है और अन्य जो जांचें होंगी, जांचों उपरांत ही जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी।
बुलंदशहर में यूपी पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया। इस बार खाकी का कहर बेकसूर लकड़हारों पर टूटा, जहां पुलिस वालों ने इन लकड़ी काटने वालों को जमकर पीटा। तस्वीरों में नजर आने वाले पुलिसकर्मी बुलंदशहर देहात कोतवाली में तैनात हैं, जो लकड़हारों को पीट रहे हैं। सवाल है कि खाकीधारियों को बेकसूरों को पीटने का हक किसने दिया और इन पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि इस मामले में अधिकारी का कोई बयान नहीं आया। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मूक बधिर बच्चों के लिए चलने वाले आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस शर्मनाक मामले में वार्डन सिद्धार्थ पर बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामला तब सामने आया जब बच्चे दीपावली की छुट्टी पर घर गए थे। घर से दो बच्चे वापस स्कूल नहीं जाना चाहते थे। परिजनों को शक हुआ, पूछताछ की तो बच्चों ने इशारों ही इशारों में वार्डन की करतूत के बारे में बता दिया, जिसके बाद आरोपी वार्डन को परिजनों ने जमकर पीट दिया। बाराबंकी में साई इंटर कॉलेज में शिक्षक की हैवानियत सामने आई। दसवीं के छात्र की कॉलेज के शिक्षक भीम सिंह ने बेरहमी से पिटाई कर दी। जब इतने से मन नहीं भरा तो उसके सिर के बाल तक उखाड़ दिए। शिक्षक की पिटाई से आहत छात्र किसी तरह अपने घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर परिजन पहले घबरा गए, क्योंकि छात्र उस वक्त तक कांप रहा था। जब पीड़ित के परिजन शिकायत लेकर कॉलेज पहुंचे तो आरोपी शिक्षक कैमरे के सामने ही बेशर्मी की हंसी हंस रहा था और आरोपों को नकार दिया, जिसके बाद परिजनों ने नगर कोतवाली में न्याय की गुहार लगाई है। बाहर आए तो पूछा क्या कर रहे थे, हम कहें सर खेल रहे थे, बस रुक मारना शुरू किया, उसको सुना ही नहीं। बाद में बहुत मारा, बाल बाल जब गिर गए तो वहाँ से भाग गए, प्रिंसिपल भी देख रहे थे। बाद में जब मेरा सर दर्द होने लगा, फिर पानी पीने में गया तो वहाँ चक्कर आ गया और मैं गिर गया। तो फिर प्रिंसिपल के पास गया तो कहा छुट्टी दे दीजिए सर, तो कहीं छुट्टी उट्टी नहीं देंगे, मैं टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, छुट्टी में सिर्फ जाना अपने घर को बस। कौन टीचर थे? भीम सिंह। लखनऊ के काकोरी इलाके के एक गांव में अजगर निकलने की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहले तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन बाद में उसे पकड़ने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ बहादुर लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया, तब जाकर यहां लोगों ने चैन की सांस ली। और बड़ी खबर नोएडा से है। ड्राइस बिल्डर पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, धोखाधड़ी का एक और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्डर राहुल गौर के अब मुकदमा दर्ज किया है। राहुल गौर ने फ्लैट देने के नाम पर ठगे थे 1 करोड़। गुड़गांव के रहने वाले परिवार से की थी ठगी। पीड़ित की शिकायत पर फेज 3 में मुकदमा दर्ज हुआ। श्योर रिटर्न के नाम पर निवेशकों को चूना लगाया गया। जालसाजी के मामले में उड़ीसा की जेल में बंद है राहुल। उड़ीसा पुलिस ने राहुल गौर को नोएडा से गिरफ्तार किया था, तो गुड़गांव के रहने वाले एक परिवार इसके सामने आया है, जिसने यहाँ पर राहुल गौर पर 1 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया। गोंडा के मोतीगंज इलाके के सूर्यबली बनकट इलाके में रहने वाली युवती मोहिनी आजाद ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। 8वीं तक पढ़ी मोहिनी का परिवार काफी गरीब था। उसके पिता शराब बनाने का काम करते थे, जिसके चलते उसके परिवार और आसपास के लोग भी शराब की गिरफ्त में बुरी तरह से फंस गए। और इसके खिलाफ भी खुद मोहिनी ने आंदोलन छेड़ा और शराब की कच्ची भट्टियों को तोड़ने का काम शुरू किया, जिससे इलाके के लोगों की हालत में काफी सुधार हुआ है। मोहिनी के इस काम की तारीफ राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। मोहिनी का कहना है कि उसने अपना काम छोटे स्तर पर शुरू किया था, जो धीरे धीरे कारवां में तब्दील होता चला गया। क्योंकि मैंने शराब की जड़ ही था वो बंद करके, और मैं चाह रही हूँ मेरे हर जिले में हो बंद, क्योंकि मेरे जिले में तो हमने मुहिम छेड़ा ही है, लेकिन हर जिले में मैंने मंत्री जी से भी SSP साहब से भी कहा था कि सर मुझे उत्तर प्रदेश में मुझे कोई ऐसा पावर दे दीजिए कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाके हर भट्टिया तोड़ ताल के खत्म कर दूं, और जिन लोगों की भट्टिया टूटी जा रही है वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार दिला दीजिए। क्या लगता है
संगीत जगत के सबसे बड़े अवार्ड यानी कि ग्रेमी अवार्ड में भगवान के भजन को भी जगह मिल गई है। इस बार के अवार्ड में विदेशी दंपति और उनके ग्रुप द्वारा बनाई गई भजनों की एल्बम भक्ति विदाउट वर्ड्स एंड कीर्तन शक्ति को इस अवार्ड में नामित किया गया है। हारमोनियम पर राधे श्याम श्यामा श्याम की गूंज से लाखों लोगों के दिलों को जीतने वाले कैलिफोर्निया के दंपति किशोरी मोहन और उनकी पत्नी सुदेवी ने ब्रज का नाम रोशन किया है। सुदेवी दासी की माने तो ये सब उनके माता पिता और गुरु नारायण स्वामी की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाली सुदेवी 4 साल की उम्र में वृंदावन आ गई। Very excited for all of India, actually. It is the first time that ever in the Grammy Awards something like this has happened, that all Gaudiya Vaishnav tradition is being nominated for a Grammy. First time won the Grammy Award in Bhajan. Yes, full Bhajan CD, but all Sanskrit and Bengali. It's Gaudiya Vaishnav tradition. और लखनऊ से खबर है जहां पुलिस पर लाठीचार्ज किया है। राजनाथ सिंह के घर जा रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी है। अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर कूच कर रहे थे प्रदर्शनकारी। कोमती नगर के इलाके की घटना है जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है और इन पर लाठियां भांजी है। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है देश के, उनको एक ज्ञापन सौंपने के लिए प्रदर्शनकारी जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने लोगों को रोका है और इन पर लाठियां भांज दी है। ये लोग प्रदर्शन करते हुए राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने जा रहे थे। हालांकि ये लोग इस दौरान राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपना चाह रहे थे। फिलहाल यहां इन्हें रोका गया है और रोकने के लिए लाठीचार्ज इन पर हुआ है। संसद भवन पर हुए हमले के 14 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 14 साल पहले यानी कि 13 दिसंबर 2001 में जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला बोला। आतंकियों का मुकाबला करते हुए 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। संसद भवन परिसर में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद किया गया। सुबह 11:25 पर उस वक्त आतंकियों ने यहाँ हमला बोला था और स्टिकर लगी गाड़ी लेकर संसद परिसर के अंदर घुस आए थे, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल यहाँ तैनात थे उन्होंने अपने अदम्य साहस का शौर्य का परिचय देते हुए आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें इन लोगों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। तो क्या हुआ था 13 दिसंबर को? संसद पर हमले के 14 साल पूरे हुए हैं। 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था। आतंकवाद के खिलाफ देश लगातार लड़ रहा है और उसमें जिन जिन लोगों ने शहादत को पाया उनमें आज का यह जो प्रसंग है वह विशेष रूप से उनकी ओर ध्यान दिलाता है। हमको आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध देश को लड़ना पड़ रहा है लगातार उसका स्मरण होता है और उसमें जितना बलिदान देना हो उतना देने को देश तैयार रहे, यही मैं कहूँगा। इस हमले में शहीद कमलेश कुमारी फरुखाबाद के रहने वाली उनके पिता राजा राम की बहादुर बेटी को आज भी वो याद करते हैं लेकिन आंखें नीचे लगाती हैं। राजा राम को अपनी बेटी की जांबाजी पर गर्व है। राजा राम कहते हैं कि बेटी के शहीद होने के बाद उन्होंने अपने 3 बेटे केंद्रीय सुरक्षा बल में भेजे हैं। वो कहते हैं कि रोज रोज के हमले का अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के साथ सख्त रुख अख्तियार करने से उन्हें उम्मीद बंधी है। फरुखाबाद के गांव नारायणपुर की रहने वाली सीआरपीएफ सिपाही कमलेश कुमारी 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले में मुकाबला करते हुए शहीद हो गई।
और अब बात करते हैं आज हो रहे प्रधान चुनाव की मतगणना की। तो गांव की सरकार पर सबसे तेज नतीजे, ग्राम प्रधानी पंचायत सदस्यों के नतीजे आने शुरू हो गए। शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के गांव पनवारी से सुधाकर दीक्षित जीते हैं। ब्लॉक सिंधौली के गांव रामपुर ताहरपुर से सुरेश शुक्ला विजय हुए हैं। ब्लॉक सिंधौली के गांव गंधरपुर से रामनाथ जीते हैं, जबकि ब्लॉक सिंधौली के गांव जलालाबाद से सुधाकर नीलम जीती हैं। वहीं ब्लॉक जलालाबाद के गांव चकचंद्र सेन से आशीष चंदेल जीते हैं। और वहीं ब्लॉक जलालाबाद के गांव टिकोला तालुक से मूंगा लाल ने जीत हासिल की है। और जलालाबाद के ही गांव कुडरा से मनोज कुमार सिंह जीत गए हैं। और जलालाबाद के एक और गांव भटा देवर से तकी अहमद ने विजय हासिल की है। वहीं हमीरपुर के सरीला ब्लॉक के जलालपुर से राजू महाराज जीते हैं। हमीरपुर के कटेहरी गांव से शंकर यादव को जीत हासिल हुई, जबकि हमीरपुर के ही मोधा ब्लॉक के कमहरिया गांव से श्रीमती मलका जीती हैं। गांव चांदीकला से सुमन सिंह ने जीत हासिल की है। तो यूपी के 74 जिलों में मतगणना चल रही है। 819 जगह पर मतगणना का काम चल रहा है। 33,000 से ज्यादा टेबल यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ वोटों की गिनती चल रही है। और हर टेबल पर 5 मतगणना कर्मी है जो यहाँ पर वोटों की गिनती का काम करें। जो वेबसाइट है उसमें भी ये नतीजे देखे जा सकते हैं प्रधान चुनाव।